कांग्रेस नेताओं के निलंबन के बाद आज जब लोकसभा का सत्र आयोजित हुआ तो विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर नजर आया। ऐसे में जब महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की तो इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि महंगाई पर विपक्ष कृपा करके राजनीति ना करें। आज हमारा देश जिस स्थिति में है उससे दूसरे देश प्रेरणा ले रहे हैं। महंगाई का स्तर दूसरे देशों से कई बेहतर है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज महंगाई के मामले में भारत किस स्थान पर है। वहीं दूसरे देशों से महंगाई के चलते भारत आज बेहतर स्थिति में है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि दुनिया किधर जा रही है। गंदी राजनीति और विपक्ष अपनी राजनीति को रोके। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं निर्मला सीतारमण। सर, द जीडीपी ऑफ द यूएस fell 0.9% in the second quarter, following a 1.6 decline in the first quarter, marking a start of what they call themselves an unofficial recession. There were some members who were saying, even Adhirji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adhirji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Sir, please. Inkhabar channel ko subscribe kare.